वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। वेलकम टू कुक विद ईशा। आज मैं बना रही हूँ स्वीट डिश और स्वीट डिश में है खीर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। खीर बनाने के लिए दूध हमें चाहिए 2 लीटर में लूँगी और 1 प्याली राइस है जिनको 2 से 3 घंटे में भिगो दिया था और 1 प्याली चीनी है। इसमें थोड़े से बिस्किट जाएंगे, 5 से 6 अदद। उनका चूरा बना लें, कोई से भी बिस्किट ले लें जो आपको पसंद हो। तो चलें फ्लेम ऑन करती हूँ। फ्लेम ऑन करते हैं और दूध को गर्म होने देते हैं। दूध गर्म हो रहा है तो मैं चावल तब तक इनको ग्राइंड कर लेती हूँ। ज़्यादा पीसने नहीं है, बस हल्के से ग्राइंड करने हैं तो मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। दूध गर्म हो गया और उसमें मैंने 2 से 3 छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची वो डाली है। अब मैं इसके अंदर चावल जो मैंने पीस के रखे हैं वो डालूंगी और साथ साथ मिक्स करूंगी। अब हम इसको 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे अच्छी तरह, फिर इसमें चीनी डालेंगे। चावलों को पकते हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है ताकि चावल अच्छी तरह गल जाएं। बहुत मज़े की बनती हैं, जितना इसको सिंपल रखेंगे उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी बनेंगी। अब मैं इसमें चीनी शामिल करती हूँ। चम्मच मुसलसल हिलाते रहना ताकि नीचे ना लगे। इसको अच्छी तरह पका लेते हैं। खीर पक रही है। अब इसमें जब ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए तो उसमें बिस्किट डाल देंगे जो मैंने चूरा बना के रखा है, 6 से 7 बिस्किट, कोई से भी बिस्किट ले लें आप। आंच बिल्कुल स्लो कर लेनी है और इनको मिक्स करते हैं। बिस्किट अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं और बिस्किट डाल के बस 5 मिनट तक इसको पकाना है और खीर हमारी बिल्कुल तैयार है। बहुत टेस्टी बनती है और बहुत जल्दी बनती है। अब मैं इसको ठंडा करती हूँ और इसके बाद डिश आउट करूँगी। ये जी मैंने खीर को डिश आउट कर लिया है, कितनी अच्छी लग रही है। और ये मैंने बादाम और पिस्ते का मोटा मोटा क्रश कर लिया है, ये देखें ऐसे। अब इसकी गार्निश करती हूँ। ये देखें खीर को मैंने गार्निश कर लिया बादाम और पिस्ते के साथ, बहुत अच्छी लग रही है और बहुत मज़े की बनी है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।